मम्मा ये क्या हुआ? चोट लगी है। कंका की हालत बिगड़ती जा रही है, इसे अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। देखो इस पर बैंडेज बांधना ही पड़ेगा, वरना धूल मिट्टी की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है इसमें। बहुत तेज बुखार है इसे। चलो बैठो, यहाँ से निकलना है, ठीक है? कहाँ जाना है? घर और कहाँ? जाना है, लेकिन यहाँ पर भी तो कितना मजा आ रहा था ना। अरे अजीब लड़की हो तुम, तुम्हारी मम्मी को कितनी फिक्र हो रही होगी तुम्हारी, और तुम्हें यहाँ जंगल में रहना है, मजे आ रहे हैं क्योंकि। उठो, कम गेट अप। लेकिन मुझे थोड़ी देर और रहना है आपके पास जंगली अंकल। क्या जंगली अंकल? जंगल में मिली हो तो जंगली अंकल। चलो उठो उठो, कम ऑन गेट अप। वैसे आपका असली नाम क्या है? अब क्या फर्क पड़ता है, तुमने इतना अच्छा नाम दिया ना मुझे, जंगली अंकल। अभी इसी से काम चला लेते हैं, कम गेट अप। देखा, अच्छा लगा ना, अब मेरा भी कोई प्यारा सा नाम रखो। कौन सा नाम? मुझे देखकर आपको किसकी याद आती है? छोटी सी चिड़िया, फुल ऑफ लाइफ, दुनिया से बेखबर, मासूम, बहुत अच्छी। काश इंसान भी ऐसे ही रहता हमेशा। अब क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मेरा नाम रखो ना। Let me think. इतनी प्यारी और प्रिटी सी लड़की का क्या नाम हो सकता है? गौरैया। गौरैया है तो बड़ा अजीब सा नाम, लेकिन प्यारा भी है। चलो कम ऑन गेट अप। गंगा, गंगा, गंगा कहाँ चली? कहीं वापस? नहीं, गंगा अपने कमरे में नहीं, पता नहीं कहीं चली गई। कृष्णा को ढूंढने गई होगी। लेकिन गंगा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे तेज बुखार है, इसमें नहीं जाना चाहिए। चलिए चलिए, आप बैठ क्यों गए, चलिए ना। अगर कोई भी उसे रोकता तब भी वो नहीं रुकती, आखिर उसकी बच्ची गुम हो गई है। ऐसे में कोई भी माँ आराम से कैसे बैठ सकती है? सच सच बताओ माधवी, तुम भी एक माँ हो, तुम्हारी नाराजगी तो मुझसे है। पुलकित के लिए तुम्हारा दिल तड़पा तो होगा, लेकिन फिर भी
इतने सालों में उसके लिए एक बार भी तुम यहां नहीं आई, क्यों? चले चलाओ नीचे। क्या है? क्या बोलो, क्या बोलो ना। रे रे। ये क्या? मेरी टांगों में ना बहुत दर्द हो रहा है, और आप तो वैसे भी मेरे बजरंगी भाई जान हो, मेरे बजरंगी मामू। क्या? मैं मामू नहीं हूँ, ठीक है? वो अंकल का है ना, जंगली अंकल, बस वो ठीक है। क्यों मामू, क्यों नहीं? मैंने कहा ना एक बार। अरे बोलो। मामू नहीं, बस अंकल। अरे बोलो ना मामू, क्यों नहीं? बहुत सवाल करती है ये, चलो। मेरी मम्मा भी ऐसे ही बोलती है, बहुत सवाल करती है, और मेरी टीचर भी। वैसे सवाल करना तो अच्छी बात होती है, अगर सवाल नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। चले अब। नीलू पहुंच गए आश्रम, पर उसे पता तो नहीं चला कि लल्ला और बहू वही है। नहीं दादी, उनको कुछ पता नहीं चला, वो तो खुद कृष्णा को ढूंढने में बिजी है। क्यों, कृष्णा को क्या हो गया? एक्चुअली अपने स्कूल ट्रिप पे गई थी तो आश्रम के पास जो जंगल है वहां पे कहीं खो गई हो। क्या कह रहा है, खो गई? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मिली नहीं, बताओ। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है ना बच्चे की देखरेख करना, उसका बाप तो है नहीं, ऐसे में गंगा को ज्यादा सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दादी आप हर बात के लिए गंगा को क्यों ब्लेम करती हैं? उसकी क्या गलती है? मैंने आपसे कहा ना कि कृष्णा अपने स्कूल ट्रिप पे गई थी। लल्ला भी वही है आश्रम में, पता अगर आमने सामने हो गया तो, अगर उसने गंगा को देख लिया तो क्या होगा? वैसे भी लल्ला कितना नाराज है उससे, इतना बड़ा धोखा दिया उस लड़की ने, ऐसे में झगड़ा हो जाएगा, वापस चला जाएगा। मुश्किल से आया है इतने सालों के बाद। नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे किए कराए पर सब पानी भर जाएगा। राम जी आप कुछ भी करिए, बस उन दोनों का आमना सामना ना हो। कृष्णा, 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 कृष्णा! इंस्पेक्टर साहब, कृष्णा कुछ पता चला? कहाँ है वो, कुछ मिला? नहीं बच्ची तो अब तक नहीं मिली, पर यहाँ कीचड़ में कुछ फुटप्रिंट, आई मीन जूतों के निशाने दिखाई दे रही, और ये जूतों के निशाने छोटे बच्चे के ही है, और ये सीधे डाक बंगले की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। डाक बंगला जी, कहाँ है वो? उस तरफ। कृष्णा! हो गया? बस एक मिनट। हाँ क्या? कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा! जंगली अंकल, कोई पुकार रहा है, कोई बुला रहा है हमें। कहाँ? भैया प्लीज नॉट अगेन, जंगल छोड़ के जाने का मन नहीं है ना, सब बहाना है। बस जंगल ही नहीं, आपको भी तो छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि सीधा यहाँ से आप अपने घर और मैं अपने घर जाऊंगी। अच्छा बताओ किस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ या उस तरफ? इस तरफ। पक्का? पक्का। मुझे लगता है हमें इस तरफ जाना चाहिए। नहीं इस तरफ।
कृष्णा 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 चलो इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर कोई था हाँ अभी भी गर्म है कृष्णा सर ये तो कुछ राइफल को ये रैपर रैपर इसका मतलब कृष्णा यहाँ पर थी इंस्पेक्टर साहब ये चॉकलेट्स तो हमने ही कृष्णा के बैग में डाले थे ये हमारे कृष्णा कृष्णा यहाँ पर थी ये बात तो लगभग पक्की हो चुकी पर ये सॉक्स देखा आपने कोई और भी था साथ में किसी बड़े आदमी का सॉक्स है ये कौन हो सकता है इंस्पेक्टर साहब सर एक कोने में कुछ राइफल कौन कृष्णा को कुछ नहीं हुआ होगा वो बिल्कुल ठीक होगी वो बिल्कुल सेफ होगी सर ये देखिए रिवर कृष्णा का ये इंस्पेक्टर साहब ये रिबन भी कृष्णा की है जी इंस्पेक्टर अच्छा 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 हेलो देखा यही रास्ता है बाहर आने का मैंने कहा था ना थैंक यू बोलो बोलो ना थैंक यू बस ये पकड़ो 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 जल्दी excuse me एक बार please एक बार please रुकिए thank you for stopping actually आप लोग सिटी की तरफ जा रहे हैं क्या हमें लिफ्ट मिल सकता है कौन हो तुम भाई वो बच्ची तुम्हारे साथ है जी हम दोनों साथ में शहर से इतनी दूर यहाँ जंगल के पास बच्ची को लेके क्यों आए हो अरे वो रास्ते में सभी जगह पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई है किसी बच्ची का लापता होने की बात कर रहे थे ये बच्ची वही तो नहीं तुमने किडनैप तो नहीं किया नहीं तो आप लोग गलत समझ रहे प्लीज एक्चुअली हम दोनों जंगल में भटक गए थे वो बच्ची देख रहे वो बच्ची स्कूल पिकनिक के लिए आई थी हम दोनों जंगल में मिले हैं हम बहुत मुश्किल से रोड तक पहुंचे प्लीज हमें सिटी तक जाना है प्लीज लिफ्ट दे देंगे तो इट विल बी ग्रेट सॉरी हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए यहाँ और कोई मिल नहीं रहा है देखिए हम पुलिस के किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते समझे नहीं आप लोग गलत समझ रहे हैं प्लीज एक्सक्यूज मी एक बार प्लीज हेल्प कर दीजिए कोई और है नहीं यहाँ पे अरे प्लीज मेरी अरे जैसा आप समझ रहे वैसा नहीं है अरे एक्सक्यूज मी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है कृष्णा गंगा दीदी कृष्णा कहाँ है कशिश कृष्णा गंगा दीदी मेरी बात सुनिए कृष्णा अब तक घर नहीं आई है कृष्णा अभी तक नहीं है आप इधर आओ यहां बैठिए प्लीज हेलो गंगा बिना कुछ पता चली गई तुम तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी बुखार नहीं उतरा है फिर भी तुम कृष्णा को कुछ पता नहीं चला बाबू हमने पूरा जंगल छान लिया कृष्णा किसी के साथ है
लेकिन वो कौन है, कैसा आदमी, हमें कुछ नहीं पता। बाबू कृष्णा तो छोटी बच्ची है, इतनी नादान है, वो किसी की भी बातों में आ जाएगी। अगर वो आदमी कोई खतरनाक आदमी हुआ तो बाबू हमारा मन बहुत घबरा रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है। आई नो कृष्णा, डर तो लगेगा ही, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कमिश्नर से बात करता हूँ, कृष्णा मिल जाएगी और तुम घर पर ही रहना, हो सकता है वो घर पर आ जाए। गंगा मेरा दिल कहता है उसे कुछ नहीं हुआ है, शी इज फाइन और वो मिल जाएगी। ओके okay? हाँ मैम। ये पकड़ो, मैं कुछ करती हूँ। क्या? आप यही रुको, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? अरे रुको ना, कार रोक दी, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? क्या हुआ बेटा? वो हम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए थे और मेरा डॉगी बूजो भी, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे और तभी वुल्फ आ गए। वुल्फ इस जंगल में? हाँ है ना, और तीन चार वुल्फ आए थे, उन्होंने मेरे बूजो पर अटैक कर दिया, मैं भाग गई अपने बूजो को बचाने के लिए, तभी मैं गिर गई और मुझे हाथ में चोट भी लग गई। मेरा बेचारा बूजो जंगल में घूम गया, मैंने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। अब घर जाना है, तो अगर आप सिटी तक छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा होगा, प्लीज आंटी प्लीज। बेटा मैं इस जगह को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, मैंने वुल्फ के बारे में यहाँ कभी नहीं सुना और यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। करेक्ट, मैंने भी यही सुना था, तभी तो हम यहाँ पर पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन अब पता चल गया है कि इस जंगल में वुल्फ भी है। नहीं नहीं मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मान सकते, जब वो कह रहे उसने देखा है तो तुम कभी जंगल में अंदर तक गए हो? नहीं ना, तो कैसे कह सकते हो? बेचारी, एक तो उसका वैसे भी डॉगी खो गया है, पता नहीं वो जिंदा है भी कि नहीं, ऊपर से इसके हाथ में भी लग गई है, हमें इसकी ना मदद करनी चाहिए, प्लीज ना। ओके आ जाओ बेटा, हम आपको घर तक छोड़ देते हैं। एक मिनट, ये आपके साथ है? कौन है ये? ये मेरे पापा हैं। मेरी बेटी झूठ बोला? अगर आपने सच बोला था तो क्या लिफ्ट मिली थी? नहीं ना, हमारा काम तो बन गया ना। अगर थोड़ी देर के लिए बेटी और पापा का गेम खेलना है तो क्या हुआ, है कि नहीं? चलो आओ। दीदी थोड़ा सा तो पानी पी लीजिए आप। कशिश, तुमने हमसे कहा था कि कृष्णा को मत भेजो, हमने तुम्हारी बात सुन ली होती तो आज अभी ये नहीं होता। नहीं गंगा दीदी, आप खुद पर ब्लेम मत लीजिए, कृष्णा वापस आएगी, वो मिल जाएगी। हाँ वो मिल जाएगी, अरे उसे कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ नहीं होगा उसे, थैंक यू अंकल, बाय। ओके बाय।
इस मोहल्ले में रहती हो? हाँ। क्यों? आप किसी को जानते हो जो यहाँ रहता है?